सीज़न टू हो रहा था तब मैं पहली बार यहाँ आया था और लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था। इस बार तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मिस्टर भारत आइकॉन भी हो चुका है, शायद मैं भी आ जाऊँ उसके लिए, बट पिछली बार से आई एम श्योर ज़्यादा मज़ा आएगा। पार्टिसिपेट शायद अगले साल कर लूंगा, आप और मैं दोनों साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। या दैट्स अ गुड वन। सो व्हाट वन हेल्थ टिप दैट यू विल गिव टू द कंटेस्टेंट्स एंड व्यूअर्स? सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप, हर चीज़ खाओ। ये नहीं कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वजन खाना रोक देने से कम नहीं होता है, खाना खाने से कम होता है। सो हेल्थ टिप इज ईट फूड। बड़ा पाव तो दिख रहा है छोटा सा। इज देयर अ टाइम लिमिट, जैसे लोग कहते हैं कि 8 बजे तक खा लो, ये सही है? ये एक अलग काइंड ऑफ डाइट होता है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे बोला जाता है। तो हाँ, ये सही होता है, 8 बजे के बाद मत खाओ और सुबह 12 बजे अपना फास्ट खोलो, इससे काफी बेनिफिट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आयोजकों को खास अभिनंदन देता हूँ और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे ऐसे शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सर। अभी ये नवी मुंबई के जो सबसे बड़े बिल्डर है इकोनॉमिक टाइम्स में सर को अवार्ड मिला है, तो ये हमारे गौरव की बात है कि सर इतना अपना टाइम निकाल के यहाँ पे सहारा में आए हैं। कांग्रेचुलेशन सर। अभी मिस्टर भी आ गए तो आप सभी के लिए, आई थिंक नेक्स्ट ईयर आप सब यहाँ पे नहीं होंगे, आई थिंक ये सब नेक्स्ट ईयर का। मैं ही आपका सवाल जवाब करूँ। I'm really glad that I'm part of Bharat Icon and thank you so much Akhil ji for giving me this opportunity and I was looking for this platform and very very excited today to be performing here on stage with all the beautiful people out here. सी आज मैं स्टेज पे गाने वाला हूँ एक राजस्थानी सॉन्ग, बिकॉज आई एम पर्सनली राजस्थानी एज वेल। सो एक बहुत ही अच्छा नॉन फिल्मी राजस्थानी गाना है जो टीवी में भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। गा रहा हूँ मैं। हो लुक चुप ना जाओ जी, ओ मन दीद कराओ जी, और रह क्यों तरसावे हो, ओ मन शक्ल दिखाओ जी, थारी सरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले बोने पंगा जी मैं कह लगे, ए मारे हिवड़े में जागी धोकनी रे चंदा में थारी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 झुम्बा झुम। थैंक यू सो मच सर। जो 2017 में भारत आइकॉन के विनर रह चुकी है, सो खुशबू हाउ एक्साइटेड आर यू? ये थर्ड ईयर है भारत आइकॉन का, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? Yeah, first of all, I'm very thankful to Miss Tasneem. She has dressed up me so beautifully. It's beautiful. Yeah, it's very beautiful. I'm loving this. And thanks to Star Makeup, they have made me look beautiful again. So thank you so much to all, both of them. And for Bharat Icon, super excited. We had a great interaction with Miss Meeta Ma'am. And she's empowering all the girls to take it further and empower themselves in their life. So we are having amazing time inside. I'm missing that right now. Okay. You should come along with me inside. So it is an amazing experience to be part of Bharat Icon. And thanks to Mr. Akhil Bansal for giving us opportunity to present our talent here. So it's a wonderful experience here. Thank you and best wishes for thank your you, future. Dear. Thank you so much. I'd like to congratulate both of you for winning the crown and also thank for hosting you. The and beautiful... जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एंड आई थिंक ऐसे इवेंट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत सारी औरतों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और वो कुछ हटके करें और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज इवेंट। लगता है कि आज भी जरूरत है औरतों को आगे लाने के लिए? बहुत सारी ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी ज़रूरत है बिकॉज़ आज भी औरतें जो है वो एक सेकेंड रेट सिटीज़न मानी ही जाती हैं, और अगर आप रूरल इंडिया में देखें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम ये ऐसे इवेंट्स करते हैं तो लड़कियाँ ऑल ओवर इंडिया से आती हैं, हम बस बॉम्बे को नहीं देखें। बॉम्बे में भी बहुत सारा एक डेवलपमेंट लड़कियों में आ गया है बिकॉज इट्स ए लार्जर टाउन। जी, तो आज पहली दफ़ा इस बार ज्वाइन हुआ है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट। थैंक यू। अच्छा अवार्ड है बवंस के लिए क्योंकि ख़ास करके महिलाओं का जो पावर इसे दिखता है, और मैं चूँकि आज दो तीन जगह फंक्शन है
اس لیے میں اپنی حاضری دے کے یہاں سے جا رہا ہوں. لیکن ایکسلنٹ پروگرام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے پروگرام ہونے سے لوگوں کو ایک جذبہ ملتا ہے, ایک آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو اٹس اے گڈ پلیٹفارم اور میں بنسل صاحب کو بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گا کہ ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہماری جو مہیلا ہیں, ہماری جو لیڈیز ہیں, ان کو ایک نیا پلیٹفارم ملتا ہے, ایک پاور ملتا ہے. سفیان, سب سے پہلے تو مسٹر مس مسز بھارت آئیکن 2019 کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں اور جو بھی لوگ ہیں اسپانسرز وغیرہ, میں سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. یہ بہت ہی کامیاب شو میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہو رہا ہے, اور ایسے شوز بیسیکلی جیسے پاپا نے کہا بالکل صحیح ہے کہ ہوتے رہنا چاہیے, بیکاز اس سے نیا ٹیلنٹ باہر آتا ہے اور انڈسٹری کو نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں, اور ایک پلیٹفارم ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو موقع نہیں ملتا. سو دس از ویری گڈ تھنگ اینڈ میں سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور جتنے بھی لوگ آج جیتے ہیں ان سب کو ہی مبارکباد, اور جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کو ہی بہت بہت مبارکباد. تھینک یو. اور آنے والے کی تیاری کے لیے ایک نئی سوچ, نیا جوش ہونا چاہیے. تھینک یو. تھینک یو. جی آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ویری ہیپی, بیکاز آج میں دو چیزیں کرنے جا رہی ہوں. فرسٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو واک فار جاگرتی, جن کے کلوتھس میں پہن رہی ہوں آج, اینڈ سیکنڈلی آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم ٹوڈے, آئی ایم گوئنگ ٹو سنگ فار ایوری ون. سو بہت ایکسائٹمنٹ ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے, آپ سب آئیے. اگر کن مہیلاؤں کے لیے؟ ہاں ہاں, میں تو یہی کہوں گی کہ ان اپنے پتیوں پتی دیووں کو منائے کہ یہ ہمارا شوق ہے, اگر وہ ریئلی چاہتی ہیں تو ان کو منائیں. اور آئی تھنک آج کل کے مین کافی فارورڈ ہیں, دے آر لائک فرینڈز ناؤ, اور ان کو ضرور آنے دیں گے. تھینک یو. بس دیکھیے, اس اوارڈ کا تیسرا سال ہے اور بھارت بنسل جی کو بہت بہت مبارک. مسٹر بھارت, مسز بھارت اور مس بھارت, مس بھارت تینوں. ہاں تو اچھا ہے نا, مسٹر بھی, مسٹر کو بھی کچھ امپورٹینس ملنا چاہیے. دیکھیے کانسیپٹ ہی الگ ہے, مسٹر اینڈ مسز بھارت تو پہلے تو میں نے کبھی نہیں سنا یہ, اور کانسیپٹ الگ ہے. اور ہاؤس وائف کو بھی جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں, کانفیڈینس بلڈنگ آتا ہے. اور ایک میں بھی ابھی دیکھوں گا جا کے فیشن شو کیسا ہے کیا ہے, بات دیکھیں اس کے بعد بات کروں گا. Bharat Icon means that even the housewives or women are getting that opportunity to showcase their talent. Not only they are not only basically in house, so they can showcase their talent in this. Okay, so there's a Mr. also now. Yeah, okay. So thank you for your best wishes. Thank you. Mansi? Ms. Bar, you're a showstopper. Yes, at the Bharat Icon's event. So please tell about it. Very excited about it. I'm the showstopper for the Libas and I love the outfits. It feels really good and this event is full of energy, and I wish best of luck to all the participants. Thank you so much. Yeah, so actually Bharat Icon Awards is a really great event, and my sub contestants ko heartiest wishes dena chahungi. Waise to sabhi winner hai, but ultimately we have to choose one, so may the best person win. And I really love the fact ki bahut alag feel se it's recognizing a lot of people. So yeah, good luck to all of them and good luck to Bharat Icon Awards. You're also walking the ramp for Riyaz. That's right, I'm walking the ramp for Libas, which is by Riyaz and Reshma Ganti. So yeah, I'm super excited. And you're wearing a Libas outfit? Yeah, I'm wearing this really beautiful yellow outfit, which actually mujhe Snow White ki yaad aa rahi hai. So looking at this, you know, we used to read fairy tales in school, so it exactly reminds me of Snow White, so I'm feeling like Snow White. Yeah. I should search for my dwarfs now. Yeah, you can. I think they'll be waiting for you. Yeah, definitely. Thank you so much for coming. اوارڈ جیسا کہ نام سجیسٹ کر رہا ہے کہ بھارت آئیکن اوارڈ ہے, تو یہ لوگ آئیکن بنانے میں ڈسپیرٹی نہیں کر رہے ہیں کہیں بھی,
मिस मिस्टर एंड मिसेस ये तीनों हैं और इसमें सिर्फ ब्यूटी से ही नहीं जज किया जाएगा बल्कि ब्रेन्स भी देखा जाएगा कि हाउ यू नो मतलब ब्रेन या मेंटली वो कितने यू नो हाउ वेल दे आर मेंटली उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो स्पेशली द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड क्योंकि दैट इज़ द टाइम जब आपको पता चलता है कि वो मतलब ब्रेन उनका कितना स्ट्रांग है. देखिए ये तो अच्छी बात है ना ताकि एज आई सेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर अब क्योंकि इन्होंने मिस्टर भी आ गया है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर ये बेबी आइकन भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि अब बच्चों को क्यों ऐसे लगे ना कि हम नहीं वॉक कर रहे हैं तो आई एम श्योर दैट नेक्स्ट ईयर देर एड बेबी आइकन एज वेल. सॉरी यस एग्जैक्टली मम्मी पापा और बच्चे मम्मी पापा दीदी भाई भैया और बच्चे बिकॉज मिस भी है ना तो मिस्टर मिसेस मिस एंड बेबी सो आई थिंक द एंटायर फैमिली पैकेज वी आर सो मच थैंकफुल टू भारत आइकॉन मिस्टर मिसेस एंड मिस फॉर परफॉर्मिंग योर वी केम योर फ्रॉम सूरत एंड वी वर रियली glad to meet Akhil Bansal, Mr. Akhil Bansal, and he has given us such a wonderful platform with all the celebrity ramping on the stage. So thank you so much Akhil Bhai once again. And Taal Group is all about Indian folk dances and today we really did on Indian festival the whole dance and it was beautifully presented with all the festivals of India. So thank you once again and Taal is again based with national and international shows everywhere in India as well as outside India. So thank you once again and thank you so much. And we rock the stage again and thanks to my team again. Rock the stage. Thank you. Bye. Thank you. Done? Thank you. Yeah. You can have one photo with us. Come. अरे बाप रे हाँ ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं. थैंक यू सो इनको एक क्राउन दे दी. या शी इज़ ऑलरेडी अ विनर. शी हैज़ गॉट अ बिग हार्ट. थैंक यू शर्मा दिया यार क्या हो गया. जैसे हम क्या कहेंगे आज इस अवार्ड के बाद आइकॉन अवार्ड हो रहा है जी. सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे हिसाब से जब भी कोई ऐसे पैजेंट होता है और जब भी आई थिंक ये मिस्टर एंड मिसेज है राइट. सब कुछ ओह वाओ क्या है मिसेज मिस एंड मिस्टर वाओ. सो सबसे पहले मैं ये कहूँगी मैरिड औरतों के लिए जिनके लिए यू नो घर में होती हैं उनके सिर्फ काम कर सकती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज मेरे हिसाब से मिसेज यू नो कोई पैजेंट जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है और उनको मौका मिल रहा है यहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस करने का. और यू नो सिर्फ घर में बैठना ही सब कुछ नहीं होता घर का काम भी बैलेंस करना एट द सेम टाइम यू नो अपनी ब्यूटी अपने सारे टैलेंट्स दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है. चीज़ों को एक वुमेन वही होती है जो हर चीज़ को बैलेंस कर सके तो वो करने का उनको मौका मिल रहा है तो यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है. और मैं अंदर जाके अब देखूँगी कंटेस्टेंट सारे जी. अरे पूरी दुनिया वेट कर रही है बिग बॉस 13 का और जाहिर सी बात है कि हम भी वेट कर रहे हैं तो कंटेस्टेंट्स देखने हैं कि कौन कौन आया हुआ है. अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है. टुमारो इज संडे 29th है अब कल देखते हैं क्या होता है. सो आई एम वेटिंग. थैंक यू. बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा एक नई शुरुआत है अगेन. एंड ये चीज़ हम अपने जैसे रापची पे वी आर टेलीकास्टिंग इट तो एक
एक नया इनोवेशन है कि कैसे अवार्ड शो टाइप काइंड ऑफ थिंग भी हम ओटीटी पे ला रहे हैं। डाबची के साथ हम भी कुछ यस यस सर कुछ धमाका होने वाला है एक्चुअली। वेरी 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 सर जी अभी हम बता नहीं रहे हैं लेकिन डेफिनेटली जल्दी होने वाला है एंड ये पूरा क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को जाता है हिमांशु जी। तो हम बहुत जल्दी साथ में वी आर गोइंग टू डू एंड बंसल जी को एक बार फिर से बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो। सी अभी तक क्या था कि जो सिर्फ लेके जो लेडीज का लेके जो अवार्ड शो होता था इट्स अ गुड थिंग कि इसमें तीनों उन्होंने टाइटल दिया मिस्टर मिस एंड मिसेस तो उन्होंने कोई भी चीज़ उसको छोड़ा हुआ नहीं है तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इसको लेके आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग एंड होप फॉर द बेस्ट। और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो आप सबको जय माता दी एंड गुड लक धर्म जी। और हम तो रापची के लिए एक धमाका करने वाले हैं लेकिन आप सब जो भी आज यहाँ पर है तो मैं बता दूं अगले महीने एक धमाका मैं भी करने वाली हूँ तो उसके लिए जरूर तैयार रहे। नहीं नहीं ध्यान से देखिए अगले महीने इंतजार करिए। बस अगले महीने में मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी बस एक बड़ा धमाका है जो सिर्फ हिमांशु जी जानते हैं लेकिन आप ही नहीं बताएंगे। सो एक बड़ा धमाका होने वाला है जल्द ही नेक्स्ट मंथ तो उसके लिए वेट करें और बहुत सारी बातें करेंगे बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। नहीं नहीं बिग बॉस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है मैं बता दूं ये मेरी मूवी से रिलेटेड है मेरी मूवी का लॉन्च है तो इंट्रोडक्शन है वो मैं बताऊंगी अभी मैं कुछ नहीं बता सकती मुझे डर लगता है कुछ भी बताने से। और उसके बाद फिर बैक टू बैक एक बहुत बड़ी चीज रापची पे भी है। बिल्कुल 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 सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं है ना। और आज लता जी का बर्थडे भी है तो लता जी के बर्थडे पे गाना हो जाए। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं जो बात कर ले आ, 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 जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे लता जी थैंक यू सो मच बाय। Very happy to be here at Mr. and Mrs. Bharat Icon 2019. I wish good luck to all the contestants. And I'm actually here in order to support the H2O movement and movie. Bharat naam jod diya apne ab iske upar kya kaha jaye Bharat mahan hai hamara anyway ye jo award hai Mr. Mrs. and Miss भारत आइकॉन एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें मौका दिया जाता है सबको और मुझे खुशी है कि मिसिस का है मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि नाम लिए हम लोग हमेशा भूल जाते रहे हैं तो ये एक इस साथ में जोड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं पूरी कंपनी को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है और सब जगह जगह से मॉडल आए हैं यहाँ पर तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो जीतेंगे उनको भी बहुत सारी मजबूत वाली शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। नमस्कार सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस फंक्शन में बुलाया गया और इस फंक्शन की जो यूएसपी खासियत जो लग रही है कि मिस्टर मिस एंड मिसेस तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तीनों को जहां सब अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और इस तरह का जो प्रयास है ये बड़ा खूबसूरत प्रयास है। मैं मेरी हार्दिक और दिली शुभकामनाएं हैं इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए और लोगों को प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए ये एक कामयाब सफ़र होगा
ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। भारत आइकॉन अपने आप में बहुत मजबूत बड़ा नाम है और इस प्रोग्राम का जो नाम ही रखा गया बहुत खूबसूरत है, बहुत पावरफुल है। जितना पावरफुल और ग्रेविटी वाला ये नाम है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, उतना ही पावरफुल और ग्रेविटी वाला ये प्रोग्राम भी होगा और सक्सेसफुल होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब क्या नहीं फिल्म आई साफा? ये दूल्हे लग रहे हैं, दूल्हे सर, आपका साफा या फिर क्या बिग बॉस? नहीं, ये लक्ष्मी जो इनके आशीर्वाद से हो जाएगा। मित्र आपको तो पता है बहुत अच्छा अवार्ड है भारत, जिसका जिस अवार्ड के साथ भारत नाम जुड़ गया है उससे बड़ा क्या अवार्ड होता है? भारत रत्न, भारत, तो भारत से बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। और ये अवार्ड होने जा रहा है, सारे पार्टिसिपेंट्स को, सबको, जिसमें मेरी पत्नी भी पार्टिसिपेंट है, तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान करे ये अवार्ड बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे और इससे जुड़े लोगों को भी खूब खुशी मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये जो मिस्ड एंड मिस्टर एंड मिसेस भारत अवार्ड जिन ऑर्गेनाइजेशन ने नया प्लेटफॉर्म दिया है, स्पेशली मैं इसके लिए आई हूँ टू एनकरेज वीमेन दोज आर मैरिड और जो अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, तो आज की तारीख में अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमको मिलते गए तो ऐसे औरतों को इनकरेजमेंट मिलती है और उनको झांकने की, अपने अंदर झांकने की का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो कॉन्फिडेंस एक औरत में बढ़ना चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म देता है। और मैं इन ऑर्गेनाइजेशन को और जो भी इन्होंने एफर्ट्स लिए हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ऐसे प्रोग्राम ज़्यादातर होते रहे और ऑल ओवर इंडिया की औरतों को, ज़्यादातर वो झारखंड या राजस्थान या वहाँ से आई हुई औरतें हैं जिनको शायद पर्दे से बाहर निकलना मुश्किल होता है, पर आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से और ये इन्होंने जो एफर्ट्स लिए हैं मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और तहे दिल को उनको शाबाशी देना चाहती हूँ। जो भी हमारी तरफ से, मुक्ति फाउंडेशन की तरफ से आपको कोई भी मदद लगे या वुमेन को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, वी कैन करके हमने कैंपेन किया है और मैंने मार्शल्स ट्रेनिंग दी है, तो जो भी हिस्सा आपको लगता है कि मुक्ति फाउंडेशन कैन बी पार्ट ऑफ इट, मैं ज़रूर ज़रूर इनकी मदद करूँगी। थैंक यू सो मच।